हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दुनिया का सबसे छोटा कार। तो जैसा आप देख सकते हो, ये है द स्मॉलेस्ट कार इन द वर्ल्ड। तो कितना छोटा गाड़ी आपको मिलता है आप देख सकते हो, और जो पैकेजिंग दी गई है वो बिल्कुल इस तरह का एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पैकेट आपको मिलता है। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इसे खोलते हैं, और हम इस कार से आखिर कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये है हमारा छुटकू सा गाड़ी। अब इसकी खासियत ये है कि आपको तो पता ही चल गया होगा कि अगर आप इसके ऊपर वाले पोर्शन को देखो तो यहाँ पर आपको एक सोलर पैनल मिलता है। जी हाँ, ये एक सोलर कार है, दुनिया का सबसे छोटा सोलर कार। तो आप देख सकते हो, जब इसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट गिरेगा तो जो सोलर पैनल है वो आपका नीचे एक मोटर के साथ कनेक्टेड है, तो मोटर घूमना शुरू हो जाएगा और मोटर के घूमने से पीछे वाले व्हील को पावर मिलेगा और ये गाड़ी अपने आप चल लगेगा। यानी जब तक इसके ऊपर सनलाइट गिरता रहेगा तब तक ये गाड़ी आपका चलता रहेगा। यानी कि अनलिमिटेड ईंधन अगर है तो अनलिमिटेड गाड़ी चलता ही जाएगा। तो ये है दुनिया का सबसे छोटा सोलर कार, तो जैसा आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा बाहर लेते हैं और सनलाइट के नीचे रखते हैं और देखते हैं आखिर इसका पीछे वाला पहिया कैसे घूमता है। तो देखिए, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट अभी गिर रहा है, लेकिन मैंने अपने हाथों को इसके ऊपर रखा है, तो कोशिश करता हूँ मैं आपको पास से दिखा पाऊँ। तो जैसा आप देख सकते हो, नीचे वाला जो पहिया है वो अभी घूम नहीं रहा है। जैसे ही मैं अपने ऊपर वाले हाथों को निकालूंगा, ये देखिए, ये नीचे वाला जो व्हील है वो घूमना शुरू हो चुका है। यानी कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इसके ऊपर गिर रहा है, जिसकी वजह से नीचे वाला मोटर शुरू हो गया और जिसकी वजह से जो व्हील्स हैं वो घूम रहे हैं। वापस से मैं अगर हाथ रख देता हूँ तो आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, जो व्हील्स है वो बंद हो चुका है। अभी मैं अगर इसे छोड़ता हूँ तो वापस से ये शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो, तो गाइज अभी जैसा आप देख सकते हो, मेरे पास एक थाली है और यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली जो सनलाइट है वो गिर रहा है। मैं ऊपर एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, पूरा डायरेक्ट सनलाइट इस थाली पर गिर रहा है। अभी हमारा जो सोलर कार है उसके सामने मैंने एक लोहे का छोटा सा स्ट्रिंग अटैच किया है ताकि ये सर्कल में ही घूमता रहे। तो अब हम क्या करते हैं, इसे बस यहाँ पर रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने सनलाइट पर कार को रखा, आप देख सकते हो जो नीचे वाला पहिया है वो घूमना शुरू हो चुका है। जैसे ही मैं क्लोज़ करता हूँ, ये आपका बंद हो गया, फिर से ओपन करते ही फिर से शुरू हो गया। तो डायरेक्टली जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरता है तो नीचे मोटर शुरू हो जाता है और व्हील घूमना शुरू हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं और छोड़ देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो जैसा आप देख सकते हो, ये अभी घूमना शुरू हो चुका है और ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, अनलिमिटेड घूमता रहेगा जब तक सूरज की किरणें इसके ऊपर गिरती रहेंगी। तो अभी अगर मैं ऐसा छोड़ दूँ तो शाम तक ये ऐसा ही घूमता रहेगा। तो ये है सोलर कार। तो जो अनलिमिटेड ईंधन जिसे कहते हैं, ये वही है। इसे अभी अगर बंद करना है तो मैं थोड़ा सा यहां पर देखिए इसे इस तरह से रख देता हूँ हाथों को, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। यानी जो सूरज की किरणें हैं वो
अभी इस पर नहीं गिर रही हैं। जैसे ही मैं उठा दूंगा हाथों को, ये फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से देखिए, बंद हो गया, फिर से शुरू हो गया। तो गाइज़ फाइनली ये है हमारा सबसे छोटा सोलर कार। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगहों पर मिल जाएगा। आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकते हो, या फिर कोई भी लोकल अगर कोई एसेसरीज़ वगैरह की दुकान है जहाँ पर जो फैंसी आइटम्स रहते हैं वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। मैं इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।